बिजली के तार डालने को लेकर दो पक्षों में घुनी संघर्ष, 6 घायल, 8 पर केस दर्ज। शिवपुरी जिले के सुरभाया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बूढ़ी वरोद गांव में मंगलवार की देर शाम एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष के 6 लोगों के साथ दूसरे पक्ष 10 से 12 लोगों ने लाठी डंडों और लात घूसों से जमकर मारपीट कर दी। मारपीट की इस घटना में एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के 4-4 लोगों पर मारपीट की धारा में क्रॉस केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। वहीं पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट एक पक्ष ने बुधवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर दूसरे पक्ष के आरोपियों के खिलाफ धारा बढ़ाए जाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। कहां से आई हो आप? नहीं, अभी जो आपके साथ मारपीट हुई है कौन से गाँव में हुई है? गढ़ी बरौद में हुई है मारपीट। तो गढ़ी बरौद में आपका ससुराल है क्या? मायका है आपका? तो आप अपने मायके आई थी, तो किसने मारपीट कर दी आपकी? मुकेश ने और कल्लू ने। कितने लोग थे वो? 10 लोग। और कितने लोगों की मारपीट की आपकी? बद्री की, सखी की, इंद्रा की, अरुण की और सुखदेव की, देवेंद्र की, बंटी की। किस बात को लेके? लाइट के चक्कर में। तो क्या लाइट का क्या झगड़ा था? लाइट में दो-तीन रात होते थे भैया लाने गए तो लाइट के कहीं पकड़ लो। अच्छा, लाइट को लेकर विवाद हुआ। थाने गए थे आप? रिपोर्ट लग गई आपकी? एफआईआर नहीं दी। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बोला। पुलिस ने पकड़ लिया था उनको? वो छोड़ दे। अच्छा, पकड़ लो, छोड़ दो। उन लोगों ने आपको भी मारा? और तो वहाँ से एम्बुलेंस से आए? कहाँ से आए आप? वहाँ से मेडिकल कॉलेज गए थे? अच्छा, भर्ती हो मेडिकल कॉलेज में? अच्छा, तो एसपी ऑफिस का शिकायत करने आए हो? अच्छा, अब क्या चाहते हो आप लोग? क्या चाहते हो आप लोग? क्या कार्रवाई चाहते हो? मैं कार्रवाई करूँगा। और क्या चाहते?